वो बेटी का हमें याद आ रहा बार बार, वो बिटिया दिल्ली में, श्रद्धा, एक विधर्मी दूसरे धर्म के व्यक्ति, आपताब जिसका नाम था, उससे उसने प्रेम किया। और पता है क्या दुर्दशा हुई, 35 टुकड़े किए गए हैं, 35 टुकड़े। मैं प्रार्थना करूंगा स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। इसलिए तो हम कहते हैं अब ऐसे लोगों से बचने के लिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हम सनातनी हिंदू हैं, हमारे अंदर हिंदू का खून है, हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन एकता के लिए बोलते रहेंगे। बुरा मत मानना, मैं यहां बैठे सब पागलों से कहूंगा मुझे लौटकर दोबारा मां के गर्भ में नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना है, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक सनातन की बात करते थे, करते रहेंगे। और आपताप जैसे विरोधियों को, धर्म विरोधी जो मानवता के भी विरोधी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम जंग लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और अब हिंदुओं की बहनों को जगना पड़ेगा। इन लोगों का एक सेकुलरिज्म है, एक फंडा है, भोली भाली हिंदुओं की बेटियों को प्रेम के चक्कर में फंसा करके बलात् रूप से दुर्दशा करवा करके फिर उनकी हत्या करना, कितनों की नहीं हुई, ये कोई नया कांड नहीं है, कितनों की नहीं हुई। क्या गुजरी होगी हमारी बेटी श्रद्धा के ऊपर, बहन श्रद्धा के ऊपर, जब उसके शरीर के 35 टुकड़े किए गए होंगे। महाराज जी अभी की घटना है, ताजी फ्रिज में रखा है उसने 35 टुकड़ों को, ज्यादा से ज्यादा 7-8 टुकड़े हो सकते हैं शरीर के, 35 टुकड़े उसने फ्रिज में रखा है। अब वो फेंक के चला भी जाता, रोज एक एक टुकड़ा फेंक रहा था, कोई सुन भी नहीं पाता, मुंबई भी भाग जाता, और शायद हमारी श्रद्धा गुमनामी के उसमें भग जाती। लेकिन ईश्वर की कृपा थी हिंदुओं को जगाने के, हिंदुओं को बताने के लिए कि मेरी बहनों तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर सनातन के कट्टर हैं। तुम विवाह करना भी तो सनातनी से प्रेम करना, कम से कम वो मस्तक पर तिलक, गले में माला लगाए हो, ऐसे सनातनी से प्रेम करना, विवाह करना। मेरी बहनों दूसरे धर्म के लिए बुरा मत मानना। आज की कथा में मुझे बहुत, आज दरबार में इस बात के लिए बहुत आवेश आ रहा था, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना भैया। दूसरे धर्म का व्यक्ति रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड के तेल में हाथ डाल दे, फिर तिल के बोरा में हाथ डाल दे, जितने हाथ में तिल छप जाए उतनी बार भी कोई सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर विश्वास मत करना। ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारे वाक्य नहीं है, महाराणा प्रताप के वाक्य हैं। दूसरा व्यक्ति, दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर तेल के कनिष्ठर में हाथ बोरकर तिल के बोरा में, बोरी में हाथ डाल दे, और जितना तिल हाथ में लग जाए उतने बार भी वो अपने बाप की सौगंध खाए तब भी तुम एक तिल बराबर उस पर भरोसा मत करना, मत करना, मत करना। अब समय जगने का आ गया, और भारत, इस वीडियो को हम कहेंगे जरूर जन जन तक पहुंचाना, भारत के संतों से भी प्रार्थना करेंगे आपस में तुम लड़ना बंद कर दो, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। तुम में अगर दम है, शक्ति है, तुम में अगर हिंदुत्व है, तो इन धर्म विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना शुरू कर दो, तब तुम्हारी माला ठीक है, तब तुम गुरु के चेला ठीक हो। आपस में लड़ लड़ करके सनातन को मत दुबाओ, प्लीज प्रार्थना है, लड़ना तो इन विरोधियों के खिलाफ अब एक हो जाओ। अब समय आ